अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब खैर खैरियत से हैं। और जैसा कि आज नौवीं मुहर्रम है और नौवीं मुहर्रम है और हर घर घर में नियाज की तैयारी वगैरह जो है वो हो रही है, तो आज जो है हम सुबह के उठे हुए हैं, सबको नाश्ता वगैरह किया है और उसके बाद जो है अभी आप देख रहे होंगे मैंने थोड़ी सी चीज़ें वगैरह समेटी हैं। चीज़ें वगैरह समेट के अभी दिन को जो है हमारे घर में जो है ना अभी सबील की जो है वो लगेगी, लंगर मतलब सबील हमने लगानी है, उसकी तैयारियों में हम सब लगे हुए हैं। बाकी जो है था कल उसकी चीज़ें वगैरह जो थी हमने कंप्लीट कर ली थी, जो जो उसमें डालना था, जो जो मेवा जार डालने थे, जैली वगैरह डालनी थी, कस्टर्ड जो कुछ भी था, तो वो सब मैंने आपको दिखाया। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके तो आप देखें प्रिपरेशन जो मैंने आपको बताई है हलीम की, उसमें सब कुछ मैंने बताया। अगर आपने नहीं देखा तो जाके आप वो देखें। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि आज जो है, कल तो हमने चीज़ें वगैरह तैयार कर ली थी, लेकिन अभी आज जो हमने जो अभी सबील लगानी है दिन के टाइम पर, उसकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए मैं आज के ब्लॉग में आपको दिखाती हूँ कि क्या करें हम। तो यहाँ पर इन सब बच्चों को देख लें, ये बैठे हुए हैं अभी, जो हमने सबील लगानी है उसके लिए जो दूध वगैरह लाया है वो रखा हुआ है यहाँ पे, तो उसको अभी बॉयल वगैरह किया है, दूध को बॉयल वगैरह करके, तो फिर अभी हमने यहाँ पे ठंडा होने के लिए रखा था ताकि ठंडा वगैरह हो जाए। साइडों से कपड़ा इसलिए लगाया है ताकि जो मक्खियाँ वगैरह हैं ना वो दूध के अंदर ना जाएं, क्योंकि आपको पता बाहर दिन का टाइम है ना, बाहर रखा हुआ देख का तो फिर मक्खियाँ वगैरह अंदर चल जाएंगी, इस वजह से ना चुटके अंदर थोड़ा कपड़े को कवर किया हुआ। और आपको ये बता रही थी कि ये बच्चों को देखें, बच्चे जितने भी हैं ना सब इस देचके के पास बैठे हैं। सही भाई इधर देखो, दूध पीना पीना है दूध हैं दादा, सारा दूध पीना है, कितना दूध पीना है हलीमा, आपने भी दूध पीना है, जैली भी खानी है बीच में हैं। और यहाँ पे देखें आरफीन भी और अमीर, ये सब आपको मैं दूर से कैप्चर करके दिखाती हूँ, तो ये सब जो है ना इस देचके के पास बैठे, आपने भी पीना, बैठो इधर चेयर पे, बैठो चेयर पे। और ये देखें मीना भी है, ये देखे छोटे छोटे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह सब सबील के लिए बैठे हैं खुशी से कि यहाँ पे दूध तैयार हो रहा है, तो दूध तैयार होगा तो उसके बाद जो है ना इन सब ने किसी ने फिदर में दूध पीना है, किसी ने कप में पीना है, किसी ने गिलास में पीना है। और हुसैन जो है आज उनको मदरसतुल मदीना से छुट्टी थी, वो भी घर पर थे नौवीं दसवीं मुहर्रम की वजह से। तो ये देखें ये सब बच्चे जो हैं बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं अभी तो, ये जो है घर में बैठे हैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे जो भाई के बच्चे हैं वो भी इंशाल्लाह आएंगे, बाहर से भी जितने भी बच्चे आएंगे सब ने जो है वो सबील वगैरह में जब दूध वगैरह लगेगा तो सब ने पीना है। तो अल्लाह ताला इस मुहर्रम ये जो है नियाज के सदके सबके रोज़ी जिसमें बरकत डाले और सबकी परेशानियों को दूर करें। ये देखें एक कह रहा है मेरा दूध है इसको हाथ मत लगाओ, दूसरा कह रहा है ये मेरा इसको हाथ मत लगाओ। तो ये सब बच्चे जो हैं इसी तरह इंतज़ार में बैठे और बहुत प्यारे लग रहे थे, मैंने कहा मैं अपने बियर्स को दिखाऊं। मीना आपके दूर बैठी हो, इधर आओ दूधू के पास। तो यहाँ पे भी हमने दूध तैयार नहीं किया, सिर्फ दूध को उबाइल किया, उबाइल करके भी ठंडा किया है। इसके बाद इंशाल्लाह ताला जब इसमें जितने मेवा जार डालेंगे तो वो भी मैं आपको बताऊँगी कि हमने कैसे डाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बस इसी तरह ही अब दूध की जो हमने सबील लगानी है उसकी जो, तो यहाँ पे जो दूध आपको बताया था ठंडा किया, अब दूध की जो सबील की तैयारी है वो शुरू हो गई है। तो अभी हम सबसे पहले डाल रहे हैं इसमें जामे शीरी डालेंगे। जामे शीरी डाल के बच्चे पास खड़े हुए हैं, देख रहे हैं कि अभी कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना। अभी जो मेरे भाई के बच्चे हैं वो भी अभी आए नहीं हैं इंशाल्लाह ताला, वो भी उनको मैंने बोला था कि वो इंशाल्लाह ताला दोपहर को आएंगे, क्योंकि दोपहर को हमने दूध की सबील लगानी है। तो अभी हम इसमें ना बाकी चीज़ें साथ साथ डालेंगे, क्योंकि साथ साथ इसमें चीनी वगैरह भी डाली है और साथ साथ जामे शीरी डाली है। जामे शीरी डाल के अब साथ साथ इसमें दूसरी चीज़ें भी डालेंगे। और अब इसमें जा रहा है इसको तुखमे रेहान,
तो अभी इसमें जा रहे हैं मदर, इसको क्या बोलते हैं, गोंद के तीरा। अभी इसमें गोंद के तीरा जा रहा है, वो डालेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके डालेंगे और साथ साथ इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे अभी जो है थी गोंद के तीरा मिक्स कर ली हमने, उसके बाद हम तुकमे रिहान इसमें मिक्स करेंगे। अगर आपने भी अभी कल का दिन है, आज नौवीं मुहर्रम है, कल दसवीं मुहर्रम है, अगर आपने दूध की सब्जी वगैरह लगानी है तो आप इस रेसिपी को देख के अपने घरों में इस तरह से बना सकते हैं। जो भी आपकी हस्बैंड तफीक है आप उस तरीके से, मतलब अगर कोई चीज़ आप स्किप करना चाहें तब भी कर सकते हैं, अगर सब कुछ डालना चाहें तब भी डाल सकते हैं। तो हमने पहले इसमें जामे शीरी डाला है, फिर उसके बाद गोंद का तीरा डाला है, गोंद का तीरा के बाद इसमें तुकमे रिहान। तुकमे रिहान का फ़ायदा ये है कि ये नीचे नहीं बैठेगी, नीचे नहीं बैठेगी, और ये देखें आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये दूध के ऊपर ऊपर है, तो ये ऊपर ऊपर ही रहती है और ये बहुत अच्छी लगती है। ये मैदे के लिए भी बहुत अच्छी है, मैदे को ठंडा रखती है और मैदे की गर्मी को भी दूर करती है। और अब हम इसमें डालेंगे जैली, सबसे पहले हम डाल रहे हैं ये ग्रीन कलर की जैली, क्योंकि ये बच्चों को कलरफुल लगती है और बच्चे बहुत शौक़ से ये वाला दूध पियेंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें रेड कलर की जैली, रेड कलर की जैली डाल के उसके बाद हम इसमें डालेंगे बादाम, पिस्ता, अखरोट, जितने भी मेवा जात हैं वो सारे हम जो है ना इसमें डालेंगे। डाल आहिस्ता आहिस्ता करके डालें ताकि ये मिक्स हो जाए, सारे डाल दें और ये सारे बादाम, मेवे, खोपा, हर चीज़ डाल दिए। और अब हम करेंगे इसमें मिक्स। और ये तकरीबन दूध 15 किलो है, 15 किलो दूध है अभी। और अभी इसमें हमने बर्फ़ वगैरह डालनी है, बर्फ़ वगैरह डाल के इसको ठंडा करेंगे, ठंडा करके और फिर इंशाल्लाह ताला से ही हमारा जो दूध है ना वो हो जाएगा ठंडा। तो यहाँ पे हमने जो दूध की सबील लगानी है, जो हमने नियार नज़र हुसैन देनी है, तो वो अब हो गई है। उसका जो डालने थे इसमें मेवा जात वगैरह वो डाल के मिक्स कर लिए हमने। उसके बाद हम डाल दें इसके अंदर बर्फ़। बर्फ़ से ये होगा कि अब ये ठंडा हो जाएगा और जो है पानी का जो टेस्ट है वो भी दुबला हो जाएगा। और अमीर को देखें, अमीर क्या करें, अमीर जो है वो भी इस इंतज़ार में कि दूध तैयार हो रहा है, तो फिर मैं इसको भी दूध दूंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको मरियम मरियम की फैमिली पसंद है, हमारी ये दूध की सबील की जो रेसिपी आपको बता रही हूँ, अगर आपको ये पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो जितना ये दूध था, जैसे मैंने आपको बताया, ये 15 किलो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा दूध है, जो कि अभी जो है फुल हुआ है। और अभी इसमें और दूध भी जाएगा थोड़ा सा, तकरीबन हम इसमें एक जग के करीब या दो जग के करीब पानी डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि ये दूध की सबील है। तो ज़्यादा पतला दूध अगर हो जाए तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। तो बस अल्लाह ताला इसको अपनी बरगालिया में कबूल मकबूल फरमाए, और बच्चे जितने भी बच्चे उनके मुंह में जाएगा, जितने भी बच्चे इसको पियेंगे, अल्लाह ताला उन सब के बच्चों को के सदके सब के बच्चों को सलामती अता फरमाए। जिनके नहीं हैं औलाद, अल्लाह ताला उनको औलाद से नवाजे और औलाद नरीना और सालिया औलाद अता फरमाए। यहाँ पर डाल दिया और बर्फ, और ये देखे दूध की सबील में बच्चे भी हिस्सा ले रहे हैं, वो भी चम्मच हिला रहे हैं। ये मेरा छोटा देवर है जिसको आपने व्लॉग में देखा होगा, जिसके भी तकरीबन थोड़े कुछ ही दिन हुए हैं शादी को। तो यहाँ पे जो है ना मेरा छोटा देवर जो है वो बच्चों को बारी बारी दे रहा है। सब बच्चे कहते हैं कि हमने चम्मच ही लाना, तो बस चम्मच ही ला रहे हैं। यहाँ पर आरफीन भी हिस्सा ले रहा था, कह था हम आया मैंने भी चम्मच ही लाना है, और अमीर के साथ खड़े हुए थे। तो यहाँ पे जा रहा है इसमें और दूध, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी इसमें और दूध जाएगा। तो सब इसमें मिलजुल कर हिस्सा ले रहे हैं, मेरे देवर हैं वो भी हैं, और ये जो है ये मेरे नंदोई लगते हैं क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, वो भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। नंबर पे इधर देखें ज़रा सामने,
तो जितने भी लोग जो है वो सबीर में हिस्सा लेते हैं, अल्लाह ताला सब की जो है कबूलियत फरमाए, सब की जो है मुरादें पूरी करे, और अल्लाह ताला आपकी भी मुश्किलें आसान करे। जो जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप देख सकते हैं कि बच्चे किस तरह साथ खड़े हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस अब हमने ये रखा हुआ है, देख के इसमें दूध और डाल दिया, बर्फ़ वगैरह भी डाल दी थी, तो इंशाल्लाह ताला अभी हमारा जो दूध है ये तैयार है। तैयार है मज़र, तैयार है महबूब जी, तैयार हो गया। अल्लाह हाफिज़। तो ये ले जी, मेरे घर जो भाई के बच्चे हैं वो आ गए हैं, मेहमान जो थे जिनका हमें बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था। अस्सलाम वालेकुम, आ जाएँ आ जाएँ आ जाएँ आ जाएँ, क्या हाल है? आज आ जाओ आ जाओ जवेरिया, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी ठीक ठाक, अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पे मेरे अबू जी भी आ गए हैं, अस्सलाम वालेकुम अबू जी, क्या हाल है अबू, ठीक है? तो ये मेरे भाई आया, अनिल वगैरह सब आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है, बच्चों से बड़ी रौनक में हो गई है घर। ये मेरे भाई जी से भी मिले हैं। हाँ उमर, क्या हाल है, ठीक हो? तो बस अभी हम सब जा रहे हैं ये देचका लेके, जो हमने जो है दूध की सबील लगानी थी वो देचका लेके जा रहे हैं, उधर बाहर रखेंगे, और जितने भी हैं जिन्होंने भी पीना होगा अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मर्ज़ी से वो खुला पियेंगे, तो अल्लाह ताला कबूल और मकबूल फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो यहाँ पे मैं वो अभी ना सबको डाल के दे रहे हैं, मैं भी आई थी मंजीना बहन, हाँ मंजीना दूध की बैग डाल।